इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि मात्र 20-29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है 100 बिलियन डॉलर्स का। 105 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। एक फंडामेंटल चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही एक फोकस्ड एक्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कि मात्र 20-29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है 100 बिलियन डॉलर्स का। 105 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। इसमें आपने देखा मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ, 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स का। पिछले साल 11 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव की है। पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था जिसमें जो कुछ भी सुधार करना था और जो कुछ भी फीडबैक मिला इंडस्ट्री से उसके बेसिस पे उसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए और वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की प्रोग्रेस देखी, वैसे ही टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में भी हुई है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में 42 कंपनीज ने जो फर्स्ट ईयर में 900 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना था, उसकी जगह करीब करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है दैट टू ऑफ दोज कंपनीज हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स रेडियो इक्विपमेंट। यूएस, जर्मनी, फ्रांस और बहुत जल्दी यूके, यहां पर इंडिया से टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लग गए। जैसा आपने टेलीकॉम में देखा, पहले साल में 900 करोड़ एक्सपेक्टेड था लेकिन 1600 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें भी लग रहा है कि द वे थिंग्स आर मूविंग, इन्वेस्टमेंट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही आएगा। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन 3,35,000 करोड़, दैट विल बी दी एडिशनल जीडीपी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। 3,35,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज 75,000। 75,000 एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और आप जानते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 1:3 का रेशियो रहता है, सो विच मीन्स रफली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार जनरेट होगा। जो बदलाव हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा बदलाव है कि पीएलआई 1.0 में 2% इंसेंटिव था, तो जैसा कि टेलीकॉम में, मोबाइल में, सब में 5% का एक बेंचमार्क बना हुआ है, तो आईटी हार्डवेयर में भी अब 5% इंसेंटिव आया है। पहला। दूसरा बदलाव आया इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। 4 साल का पीरियड था पीएलआई 1.0, इसमें 6 साल का पीरियड रखा है जिससे कि इन्वेस्टमेंट आप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपने तरीके से केयरफुली जिस भी पेस पे चाहो उस पेस पे कर सकते हो। तीसरा बड़ा बदलाव है लोकलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए ऑप्शनल एक्स्ट्रा इंसेंटिव रखा गया है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मेड पीसीबी असेंबली बनाए, इंडिया में मेड पावर सप्लाई रखे, इंडिया में मेड सेमीकंडक्टर चिप्स यूज करे, तो उसके लिए एडिशनल ऑप्शनल इंसेंटिव रखा गया है। तो इससे ये सारे के सारे बदलाव से अच्छी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल है कि बड़े जितने भी आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब के सब इंडिया में अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करेंगे। अर्लियर माइंडसेट वाज कि इंडिया में 9
बिलियन डॉलर का अगर इंपोर्ट होता है तो 9 बिलियन डॉलर को टारगेट रख के प्रोडक्शन करना है। अभी माइंडसेट हो गया कि दुनिया का मार्केट 50 बिलियन डॉलर का है, तो इस दुनिया के मार्केट को कैसे हम इंडिया से केटर करें। दैट्स अ बिग फंडामेंटल माइंडसेट चेंज। और ये आप मोबाइल फोन में देख रहे हो, टेलीकॉम में देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हार्डवेयर में भी एग्जैक्टली सेम माइंडसेट आप देखोगे, बिकॉज मोर और लेस द प्लेयर्स आर सेम। एक और फैक्टर आया है कि इकोसिस्टम पूरा रेडी हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट रेडी हो गया है। आज लोग डिजाइनर्स अपने इंडिया में अवेलेबल है, आज कंपोनेंट्स की कंप्लीट इन्वेंट्री जो होती है वो सब के सब स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता है, कहाँ पे वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो सकता है इजीली वो लोगों को पता है। तो इस तरह से एक फंडामेंटल चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री।